माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी केंद्रीय विद्यालय पत्रातू की 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात का समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं, मैं क्या करूँ? धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त प्रश्न जिसमें राघव जोशी के सामने एक अजीब सी दुविधा है। माँ बाप हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो फिर खेल कूद करो, लेकिन उन्हें लगता है कि खेलने कूदने के बाद पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। कृपया राघव एवं श्वेता के साथ साथ उन जैसे कई विद्यार्थियों को समझाएं कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी श्रेष्ठतम हो। हम सबकी दुविधा का समाधान करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदुपयोग हो, जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाभ मिले, और ये अच्छी सोच है और ये आवश्यक भी सोच है कि हमें हमेशा जागृत रूप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूँ, मैं जो समय खपा रहा हूँ, उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है। आउटपुट तो दिखेगा, आउटकम नहीं दिखेगा। इसलिए पहले तो खुद में एक आदत डालनी चाहिए कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। और ये आदत हमको डालनी चाहिए कि भाई मैंने आज मैथमेटिक के पीछे एक घंटा लगा दिया, तो मुझे उस एक घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया, उसमें से जो सवाल मुझे कठिन लगते थे वो अब मुझे सहज हो गए नहीं हो गए, मतलब मेरा आउटकम इम्प्रूव हो रहा है। ये हमें एनालिसिस करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत कम लोगों को एनालिसिस की आदत होती है, वो एक के बाद एक पूरा करते ही जाते हैं और बाद में पता ही नहीं रहता कि अरे वो जरा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, उसको मैंने ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है, जो सबसे प्रिय है, हम घूम फिर करके उसी में घुस जाते हैं। मन करता है चलो इसी को कर ले, क्यों, आनंद आता है, और उसके कारण जो कम पसंद है, थोड़ा कठिन है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हमारा बॉडी जो है ना, वो बॉडी शब्द मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सरलता के लिए बता देता हूं, कभी कभी लगता है हमारा बॉडी चीटर है। आप तय करें मुझे ऐसे बैठना है, आपको पता ही नहीं होगा कैसे ऐसे हो जाते हो, पता ही नहीं होता है, मतलब आपके साथ आपका बॉडी चीटिंग करता है। आपने मन से तय किया कि मुझे ऐसे ही बैठना है, लेकिन थोड़ी देर में ढीले हो जाते हो हाथ पैर, यानी जो ओरिजिनल स्वभाव है वहां बॉडी आपका ढल जाती है, फिर जागृत होकर के ऐसे कर लोगे फिर हो जाते हो। मतलब ये बॉडी जैसे चीटर है ना, वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी कभी, और इसलिए हमें इस चीटिंग से बचना चाहिए। हमारा मन हमारा चीटर नहीं बनना चाहिए। वो कैसे बन जाता है कि जो चीज मन को पसंद है हम उसी पे चले जाते हैं, हमें जो जरूरी है, महात्मा गांधी जी श्रेय और प्रेय की बात करते थे, जो चीज श्रेयस्कर है और जो चीज प्रिय है, व्यक्ति श्रेयस्कर के बजाय प्रिय की तरफ चला जाता है। जो श्रेयस्कर है उस पर हमने चिपक के रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक होता है, और उसी की तरफ अगर मन चीटिंग करता है वहां ले जाता है फिर खींच के ले आओ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका आउटकम बढ़ेगा, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ये जो सोचना कि मैं रात को पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है मैं सुबह पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहे खाना खा करके पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है भूखा रह करके पढ़ूं, ये हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, किस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली है आप कंफर्ट होने चाहिए। अगर आप कंफर्ट नहीं है उस परिषद से, बैठने से, उठने से,
तो आप शायद उसको नहीं कर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार की जगह होगी तब नींद आएगी उसको। मुझे याद है मैं बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी, उस मूवी में एक दृश्य आता है, कोई एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी के पास अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर अचानक कोई अच्छी जगह पे रहने जाता है, उसको नसीब आता है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और नींद क्यों नहीं आती, तो फिर अपना दिमाग खपाता है, तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पे और रेल की पटरी की जो आवाज़ खटापटी आवाज़ उसको टैप करता है और घर में ला करके वो टैप रिकॉर्ड शुरू करता है और फिर सो जाता है, नींद आ जाती है उसका, वो कंफर्ट हो जाता है जब तक उसको वो। अब हर एक के लिए कोई कहे कि भाई ट्रेन की आवाज आएगी तो तुम्हें नींद आएगी, हर एक के लिए जरूर नहीं होता, लेकिन उसको वो कंफर्ट लगा। मैं समझता हूं कि हमें भी पता होना चाहिए, इसका प्रेशर बिल्कुल मत रखिए। जिस चीज में आपको आनंद आता है आपको कम से कम उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस कंफर्ट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई, आपका काम है मैक्सिमम आउटकम, उसमें से जरा भी हटना नहीं है। और मैंने देखा है लोग कैसे काम करते हैं, कभी कभी हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली 18 घंटे काम करना क्या होता है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्वयं तो 5वीं-7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे लेकिन अनेक ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, दर्जनों ग्रंथ लिखे थे और वो पद्म सम्मान से भी सम्मानित थे। वो जीवित रहे थे 103 साल और जब मैं वहां था तो मैंने उनकी शताब्दी का ऑफिशियल कार्यक्रम सरकार का किया था। मेरा उनके साथ बड़ा निकट रिश्ता जैसा था, बड़ा प्यार रहता था मुझ पर उनका। तो मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, तो हमने एक बार कार्यक्रम बनाया उनको लेकर के राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों पर मैं उनको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। तो मैं उनको लेकर के चला तो हम एक व्हीकल में थे सब लोग, मैं देखता था कि उनके पास बहुत कम लगेज था लेकिन उसमें भी ज्यादा लगेज उनके लिखने पढ़ने की चीजें थी। कहीं रेलवे का क्रॉसिंग आता था तो बंद हो जाता था, रुक जाना पड़ता था, जब तक ट्रेन पारित नहीं होती वो दरवाजा खुलता नहीं था, आगे बढ़ते नहीं थे। अब उस समय हम क्या करते हैं, हम या तो नीचे उतर के थोड़े टहलेंगे या कोई सिंचना बेचता होगा तो लेकर के खाएंगे, हम अपना समय। मैं देखता था कि जैसे ही खड़ी हुई गाड़ी वो अपने थैले में से कागज निकालते थे और एकदम से लिखना शुरू कर, तब उनकी उम्र मैं समझता हूँ 80 तो करीब पहुंच गई होगी। यानी समय का कैसे उपयोग करना, आउटकम किसको कहते हैं, मैं इतनी बारीकी से उनको देख रहा था। और शायद तीर्थ यात्रा के समय में रिलैक्स रहना, घूमना फिरना, देखना बातें, सारा बाजू में अपना काम करते ही रहना, किसी भी परिस्थिति में करते रहना, मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक होता है जीवन में, इसे बहुत कुछ मिलता है।